हेलो स्टूडेंट्स, मैं बिभु मिश्रा आपके लिए लेकर आई हूँ जो है क्लास 8 का साइंस मैथ में हम जो ब्रिज कोर्स है गणित सेतु अभ्यासक्रम में, ये हमारा पहला टेस्ट होगा। टेस्ट नंबर 1 चाचड़ी 1 है, जिसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए स्पेशली बनाया, मेहनत किया है, तो इसके लिए आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ये जो है 15 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें सारे क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं ट्रांसलेट करके, और इसका आंसर भी मैंने यहीं पर लिखा है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अपने नोटबुक पर अच्छे से राइट कीजिए। तो देखिए, पहला प्रश्न दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें प्रश्न में सब क्वेश्चन है कि त्रिभुज के एक कोण का भाजक उस कोण को समान भाग करता है, तो समान दो भाग है। यहाँ पर क्या होगा, समान दो भाग करता है, यहाँ टू रहेगा, दो भाग, ठीक है। इस तरीके से फिल कर देंगे। फिर इसी में दूसरा दिया है कि माइनस 125 भागे माइनस 5, तो जब हम यहाँ पे देखिए माइनस 125 भागे माइनस 5 करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, तो इसका उत्तर प्लस 25 आएगा, 25 प्लस 25 आएगा, तो इस तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद दिया है कि 60 और 36 का म स प निकालिए, कि क्या करना है, 60 और 36 का म स प निकाला है, तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो 60 और 36 का एच सी एम निकालने के लिए लिखेंगे 60 बराबर 60 और 36, इसका गुणनखंड विधि से मैं निकालने जा रही हूँ एच सी एम, तो कैसे होगा कि कितना होगा, 3 नहीं होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं कि 10 × 6 = 60, 10 × 6 हो गया, ठीक है। इसको और सरल करेंगे तो 2 × 5 = 10 और 3 × 2 = 6, इसी को मैंने इस तरीके से लिख दिया, इसका गुणनखंड हो गया। इसके बाद 36 का होगा तो 6 × 6 = 6, 6 × 36 होता है, इस तरीके से कर लिया। इसको और इसका फैक्टर छोटा करेंगे और आएंगे स्मॉल गुणन, छोटे गुणनखंड में, तो 2 × 3 = 6, फिर क्या होगा, 2 × 3 = 6, ये 36 होगा, 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 12, 12 × 3 = 36, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें म स लेते समय क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं, इसमें 2 है इसमें भी 2 है, इसमें 3 है इसमें भी 3 है, इसमें 2 है इसमें भी 2 है, तो ये 3 और ये 5 का जोड़ा नहीं बना है, तो जिसका जोड़ा बना है उसको ले लेते हैं 2। इस जोड़े में से केवल एक लेंगे, इस जोड़े में से एक और इस जोड़े में से एक लेंगे, तो 2 × 2 × 3 तो 2 × 2 = 12, तो इसका उत्तर हो जाएगा 12, ठीक है फ्रेंड, 12 हो जाएगा। इसके बाद दिया है कि किसी दो कोण का योग 90 अंश है तो वे दोनों कोण परस्पर पूरक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, पूरक कहलाते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी के बाद देख, इसमें दिया है पांचवें प्रश्न में, पहले प्रश्न का सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन फिफ्थ वाला, कि 2 = 1/7 + 9/11, इसको हमें जोड़ना है। देखिए मिश्र धन है ये और ये परिमेय संख्या है, तो इसको कैसे करना है, तो मिश्र धन का इसको क्या करते हैं, हर का मिश्र संख्या से गुणा और अंश को जोड़ देते हैं, मतलब कि 2 × 7 = 1, ठीक है, 7/7, फिर 9/11, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 7 × 2 = 14, 15, 15/7 9/11, अब यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए 15/7 है, 9/11 है। अब ये देखिए हर जो है समान नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, हर को समान करना पड़ेगा, तो हर को समान करने के लिए इसका इससे गुणा, तिर्यक का गुणा करते हैं कि इसका इससे, तो 15 × 11 + 7 × 9 = 7 × 11 हो गया। तो 15 × 11, 15 में जब 11 से गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 15 में 11 का गुणा करेंगे तो 165 और 7 × 9 = 63, क्या हो जाएगा, 63, और 11 × 7 = 77, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 228/77, ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर, दूसरे प्रश्न पर आते हैं। इसमें क्या दिया है दूसरे प्रश्न में, कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं पर दी गई क्रिया कीजिए, कई प्रश्न दिया है। इसमें पहला दिया है ये जोड़ था, ये घटाना है, भिन्न का घटाना,
मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है अभिनय का घटाना, वो भी आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया रहेगा। देखिए यहाँ पे दिया है ये भी हर समान नहीं है, तो हम पहले क्या करेंगे, हर को समान करेंगे। ये भिन्न संख्या तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं कि 12/5 ऋण 3/10, ठीक है। अब क्या करेंगे, तिर्यक का गुणा, तो 12 × 10 ऋण 5 × 3/5 × 10, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, 12 दहा में 120 होता है, तो 120 ऋण 5 × 3 = 15/5 × 50, ठीक है। अब इस तरीके से यहाँ हो गया। अब आगे देखिए, 120 में से 15 चला गया तो कितना बचेगा, 120 में से जब हम 15 घटा देंगे तो हमारा बचेगा 105, तो यहाँ पे 105/50, इसको और सिंप्लीफाई कर दे, 5 से काट दे तो 5 × 2 = 10, 5 × 1 = 5 और 5 × 10 = 50, यानी कि इसका उत्तर आ जाएगा 21/10, ठीक है, इसका उत्तर आ जाएगा 21/10। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है दूसरा, इसी में पहले में ही दूसरा दिया हुआ है कि -3/4 × 8, इसका गुणा करना है। तो हम किसी भी संख्या के अगर बटे एक कर दे तो उसके मान में किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं होता है, ये इसको काट सकते हैं हम, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, तो और ये एक का कोई मतलब नहीं हुआ, तो बचा -3/2 × 4, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 4 × 3 = 12, ये ऋण है तो ऋण 12/2, ठीक है। अब यहाँ 2 × 6 = 12 और ये ऋण है तो ऋण, तो इसका उत्तर आ जाएगा ऋण 6, ठीक है फ्रेंड। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्या प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि दी गई आकृति में AC रेख AC, देखिए A और C, ये जो रेख है AC, BD बिंदु P पर, AC और BD बिंदु P पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, यानी कि काटती है, ठीक है। अब मेजर ऑफ कोण APB बराबर 34 डिग्री, मतलब APB का मान 34 डिग्री दिया हुआ है, तो मेजरमेंट ऑफ कोण APD मतलब APD इसका मान, और पूछ रहा है कि BPC का मान, मतलब इसका मान और इसका मान पूछ रहा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है। हमें इसका हल करना है, तो पहले तो हम ये देख लेंगे कि ये एक लाइन है, हमेशा ये लाइन पर ये जो बनता है कोण, वो अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करें पूरा, तो ये 90° का कोण बनता है, क्योंकि हम जानते हैं कि रेखीय युगल का कोण, ये रेखीय युगल कोण हो गया, क्या हो गया, रेखीय, जब किसी भी एक रेखा को एक रेखा द्वारा विभाजित किया जाता है तो होता है रेखीय युगल कोण का मान 180 होता है, कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है फ्रेंड। इतना हो गया, अब ये तो हम जान गए। अब हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल APB बराबर 34 डिग्री, ये प्रश्नानुसार हो गया, ठीक है। अब इसका मान, मतलब कि APB प्लस APD इन दोनों का जोड़ जो है 180 के बराबर है, तो उसको हम लिख लेंगे एंगल APB प्लस एंगल APD बराबर 180 डिग्री, 180 हो गया। अब देखिए APB का मान दिया 134, तो यहाँ पे लिख दे, सॉरी 34 डिग्री प्लस एंगल APD बराबर 180 हो गया। अब ये जब बराबर के इधर आएगा तो एंगल APD बराबर 180, और ये जब बराबर के पूरा इधर आ जाएगा तो -34 हो जाएगा, तो 180 में से 34 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, एंगल APD बराबर हो जाएगा, जब इसको घटाएंगे तो 146 डिग्री हो जाएगा, यानी कि इसका मान 146 हो जाएगा, ठीक है। अब पूछ रहा है इसका मान क्या होगा, ठीक है, तो हमें पता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, तो शीर्षा विमुख कोण से क्या हो जाएगा, एंगल BPC, ये जो BP और C है ये सर्वांगसम हो जाएगा किसके, एंगल APD के, तो
तो इसका मान जब 146 है, किसका एपीडी का मान 146 है, तो बीपीसी का मान भी 146 होगा। तो उनका एंगल बीपीसी बराबर 146 एंगल, ये आंसर आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों को हल करें। 18, 36 व 27 का लसप यानी एलसीएम निकालें। देखिए लसप निकालने की कई विधियाँ होती है, मैं यहाँ पे जिस विधि से आपको निकालूंगी वो देख लीजिए क्या है, किसका किसका निकालना है, 18, 36 और 27 का। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे गुणनखंड विधि 18, 36 और 27। इसको इस तरीके से कर लेंगे, पहले सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, तो 2 9 18, फिर 2 1 2, 2 8 16, 18 2 9 36, 27 के 2 के टेबल में नहीं आता तो वैसे का वैसे लिख देंगे, फिर 2 का लेंगे 9, वैसे का वैसे लिख देंगे क्योंकि 2 के पहाड़े में नहीं आएगा, फिर 2 9 18 और 27। ठीक है, अब ये तीनों 3 के टेबल में आएगा तो 3 से करेंगे, 3 3 9, 3 3 9, 3 9 27, ये फिर 3 से कटेगा तो यहाँ पर लिख लेंगे 3 1 3, 3 1 3, 3 3 9। यहाँ फिर से क्या करेंगे, 3 से कर देंगे तो 1 1 और 1, देखिए पूरी तरह विभाजित हो गया। तो हमें प्राप्त क्या हुआ, यानी हमें प्राप्त हुआ 2 × 2 × 3 × 3 × 3, तो 2 × 2 × 3 × 3 × 3, 2 × 2 = 4, 3 × 12, 12 × 36, 108 होता है। तो इसका लस आएगा कितना, 108, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर, हल करें। क्या हल करें, इसमें ये रिक्त स्थान दिया है, इसे हमें भरना है। तो 7 × 7 = 7, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21 होता है, लेकिन ये ऋण है तो केवल 3 लिखेंगे तो ऋण 21 आएगा, लेकिन ये धन 21 है तो यहाँ पर ऋण 3 होगा, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो धन 21 आएगा, तो यहाँ पर फेल होगा ऋण 3। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर ऋण 30 आया है, 5 × 5 = 30, तो यहाँ पर 6 है, ये ऋण में आया है तो यहाँ पे ऋण 6 आ जाएगा, 5 × 6 = 30 ऋण है तो ये ऋण में उत्तर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब आगे बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न पर। आखिरी प्रश्न क्या दिया हुआ है कि नीचे दिए गए माप से त्रिभुज बनाइए। एक त्रिभुज बनाना है जिसका नाम है त्रिभुज SUV। ठीक है, मान लीजिए हमें एक त्रिभुज ऐसे बनाना है जो कि SUV हो गया, जिसमें U 90 अंश का हो, इसीलिए ये 90, ये सीधा मैंने इसीलिए खींचा क्योंकि ये 90 अंश का है। ठीक है, जिसमें L, ये देखिए रफ है, ठीक है ये रफ बना रही हूँ मैं, इसके बाद नाप के बनाएंगे। तो लेंथ UV, जो U और V का लेंथ है 7 सेंटीमीटर है, और लेंथ S और V का लेंथ 9 सेंटीमीटर है। अब यही चीज़ हमें क्या करना है, अच्छे से ड्रॉ करके बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, पहले ये तो हमें पता गया किसका माप कितना है, तो हम पहले एक 7 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेंगे, कितने, यहाँ से देखिए 7 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे, यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है, तो इस तरीके से खींच लेंगे। ठीक है, इसका नाम क्या रखना है, 7 सेंटीमीटर किसका है, यू और वी का नाम हो गया। उसके बाद दिया है कि जो वी है वो 90 डिग्री का है, तो यहाँ पर हम ये कंपास लेकर इससे 90 डिग्री का, यहाँ पे ये 90 होता है तो ऐसे खींचकर इसको ऐसे मिला देंगे, तो ये हो गया 90 डिग्री का हमारा यू भी हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे दिया है कि ये इसका नाम यस हो गया, यस का वी से मिलाना है, वो भी कितना, 9 सेंटीमीटर पे, तो हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये स्केल से ये यहाँ से 90 सेंटीमीटर का माप ले लेंगे। ठीक है प्रकार से, उसके बाद यहाँ से इसको लेकर ऐसे आर्क खींच देंगे ऐसे। ठीक है, अब ये यहाँ पर मिलेगा, ये यस और यू का मान नहीं दिया कि कितना बड़ा रहेगा, तो हम इसे कितना भी बड़ा कर सकते हैं, बस ये इतना ध्यान देना है कि 90 अंश का होना चाहिए, तो ये कितना भी बड़ा ले लो, ये जहाँ पे कट करता है वहाँ से इसको ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, ये मिला दिया मैंने, अब देखिए ये 7 सेंटीमीटर का मैंने लिया था, इसको 9 सेंटीमीटर से मिलाया है, और ये 90 डिग्री का है, 90 अंश का, जैसे बोला था सेम वैसे बना दिया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे साथ बने रहिए, ऐसे ही वीडियो में लेकर आती रही हूँ। थैंक यू फ्रेंड।